माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज गलीलिया समुद्र में बोटिंग के लिए जा रहे हैं। करीब एक घंटा हम इस समुद्र में घूमेंगे, जहां ईसा मसीह कई बार नाव पर सवार हुए, आंधी को शांत किया, जिस पानी के ऊपर प्रभु ईसा मसीह चला, मछलियों का चमत्कार दिखाया और शिष्य लोगों को नाव पर बैठ करके सिखाया। तो इस प्रकार ईसा मसीह के साथ, ईसा मसीह के जीवन के साथ जुड़े हुए कई घटनाएं इस गलीली के साथ मिल सकता है। गोलान हाइट और इसराइल के जो गलीली प्रांत है उसके बीच में ये सी ऑफ गलीली आते हैं। जैसे पूर्व में भी मैं क्लासों में बताया, पवित्र बाइबल के अंदर इस सी ऑफ गलीली को, गलीली समुद्र को कई नामों से पुकारते हैं। जैसे कल के क्लास के अंदर हम लोग जो पीटर्स प्राइमसी चर्च देखने के लिए गया, वहां पर उस इलाका को तिबेरियस कहते हैं, और कई नाम से है, किन्नरेत नदी भी कहते हैं, झील कहेगा, गेनासरेत लेक कहते हैं, या सी ऑफ गलीली कहते हैं। ये सब एक ही इस समुद्र नहीं है, झील जैसे ही है, दुनिया के सबसे बड़ा झील हम बोल सकते हैं। इसका लंबाई केवल 21 किलोमीटर और मैक्सिमम जो चौड़ाई का जगह है वहां 13 किलोमीटर, और जो मैक्सिमम पानी का जहां डेप्थ है, गहराई है, वो 43 मीटर अर्थात 141 फीट तक मैक्सिमम जो डेप्थ है, गहराई उतना है। यदि इस झील के चारों तरफ अगर घूमेंगे 53 किलोमीटर पड़ेगा इसका। इसका मतलब ये जो सी शोर हम जो कहेंगे, उसका जो तटवर्ती इलाका जो है 53 किलोमीटर्स पूरा राउंड अगर लगाएगा तो। वैसे लंबाई में केवल 21 किलोमीटर है, चौड़ाई में 13 किलोमीटर। इस गलीली समुद्र का एक खासियत है, ये दुनिया के सबसे बड़ा जो मीठा जल वाला लेक है, और सबसे निचली स्तर पर रहने वाला, समुद्र तट से करीब 686 फीट निचली स्तर पर है, 686 फीट समुद्र तट से नीचे, 209 मीटर नीचे है। और दुनिया के सबसे निचली लेक हम लोग डेड सी को देखा था, वो है सबसे नीचे,
वो 705 फीट है, ये केवल 686 फीट है, 686 फीट सी ऑफ गैलीली है। डेड सी जो है वो 705 फीट है, लेकिन वो नमकीन पानी है, इसलिए बोला सबसे बड़ा वाला जो फ्रेश वाटर वाला जो लेक है यही है। शुद्ध जल में यही सबसे बड़ा है। और गोलान हाइट और गलीली जो प्रांत है इसराइल का, गलीली रीजन, उसके बीच का ये जगह है, ये इस गलीली समुद्र हम लोग जिसे कहते हैं। और इस पर बोटिंग करता हुआ बहुत ही आनंददायक है, जहाँ ईसा मसीही कई बार सफ़र किया, शिष्य लोग सफ़र किया, जहाँ आंधी को प्रभु ने थमाया, डांटा, जिस जल के ऊपर चल कर के प्रभु ईसा मसीह शिष्यों के पास आए, वो समुद्र यही है, सी ऑफ गलीली। इसके विषय में मैंने इसे पूर्व में भी कहा था, इसका मेन सोर्स जो पानी है वो यर्दन का पानी है, लेकिन इसका अंडरग्राउंड झरना भी है, प्लस मेन सोर्स के रूप में हम लोग बोल सकता है यर्दन का जो पानी है, और इसका अपना खुद का सोर्सेस भी है, और सबसे शुद्ध जल वाला, और ये बह करके सीधा गोलान हाइट के साइड से होकर के सोदोम गोमोरा उस क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़कर के डेड सी में पहुंचता है, लेकिन डेड सी में पहुंच करके नमकीन बन जाता है। डेड सी से लेकिन आगे बहता नहीं है, डेड सी में समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो इस सफ़र को आज बोटिंग में एंजॉय करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा मगदल जाएंगे भोजन के लिए, जहाँ पर पेत्रुस के नाम से जो फिश है, जो इन्होंने 153 जो मछलियाँ जो पकड़ा था उस नाम से, वहाँ पर पीतेस फिश पेत्रुस के नाम से जो मछली, उसको मिलाकर के हम लोग भोजन करेंगे। और इसके बाद आगे जहाँ पर ईसा मसीह का बपतिस्मा हुआ, वो बैप्टिसम साइट देखने के लिए आज जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस बोटिंग के लिए, और यहाँ आकर के उन तमाम बातों को याद करने के लिए, जो बाइबल की घटनाओं को याद करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इस समुद्र में चल कर के प्रभु कई बार नाव पर या इसके ऊपर चल कर के सफ़र किया था। समुद्र को अपना रास्ता बनाने वाला प्रभु, शिष्यों को सिखाने के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया। प्रभु ईसा मसीह कई बार सफ़र करने वाला इस जगह, धन्यवाद दें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।